नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है संगठित अभ्यास से संबंधित। तो देखेंगे कि आखिर अभी क्यों चर्चा में बना हुआ है और क्या है ये मुद्दा, क्या होता है संगठित अपराध, भारत के लिए संगठित जो अपराध है ये खतरा क्यों है, आखिर उस पर भी बात करेंगे। संगठित अपराध के विस्तार के कारण क्या क्या है उस पर भी बात करेंगे। संगठन संगठित अपराध के नियंत्रण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उन पर भी बात करेंगे। संगठित अपराध को रोकने हेतु क्या क्या किया जाने की आवश्यकता है, यानी कि क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे संगठित अपराध रोका जा सके। प्रणाली के आधुनिकीकरण के बारे में जानेंगे। इसके साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रयास भी हुए उन्हें भी देखेंगे और रेटिंग में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले महत्वपूर्ण कदम भी देखेंगे हम लोग। लगभग लगभग सभी सवालों के जवाब मिलने की कोशिश होगी इस आर्टिकल में, ठीक है। हमारी चर्चा का कारण की बात करें तो केरल स्वर्ण तस्करी के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश तथा संदीप नायर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बंगलोर से गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर एक राजनयिक की सहायता से 30 किलोग्राम स्वर्ण यानी कि 30 किलोग्राम सोने तस्करी का आरोप था। यह देश में संगठित अपराध के बढ़ने का एक सूचक भी है। क्या है ये मुद्दा आखिर? स्वप्ना सुरेश जो कि संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्यिक दूतावास में सचिव रह चुकी हैं, ने एक राजनयिक की सहायता से 30 किलोग्राम सोने की तस्करी की। भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराध के इस खेल में अब तक केरल मुख्यमंत्री है मुख्य सचिव तक का नाम सामने आ रहा है जो कि संगठित अपराध की जड़ों के प्रसार को स्पष्ट कर रहा है। इस प्रकार के इतने न सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता को भी धराशायी करते हैं। क्या होता है आखिर संगठित अपराध जो बात की जा रही है, तो आखिर होता क्या है? इंटरपोल के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो निगमित संरचना के साथ ऐसा निकाय तथा जिसका उद्देश्य गैर विधिक मार्गों से धन प्राप्त करना हो तथा यह पराभ भय या फिर भ्रष्टाचार पर आधारित हो संगठित अपराध कहलाता है। साधारण शब्दों में वह अपराध जो किसी संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता है संगठित अपराध कहलाता है। इसमें संगठन के पास पर्याप्त प्रशिक्षित कार्यबल होता है यानी कि पढ़े लिखे होते हैं। पारंपरिक संगठित अपराध की बात करें तो जैसे अवैध शराब का धंधा, जबरन वसूली, अपहरण, डकैती, समुद्री डकैती, लूट, ब्लैकमेल, ये सब आपके पारंपरिक संगठित अपराध के उदाहरण है। संगठित अपराध आधुनिक संगठित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार, साइबर अपराध, जाली नोटों का वितरण, मानव तस्करी, हथियारों एवं पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार, स्वर्ण तस्करी संगठित अपराध का एक राष्ट्र के अनेक क्षेत्रों तक अथवा अनेक राष्ट्रों तक नेटवर्क हो सकता है। व्यापक नेटवर्क के साथ प्रतिबद्ध व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या होती है जो संगठित अपराध को अंजाम देते हैं। भारत के लिए संगठित अपराध खतरा क्यों है आखिर? भारत को संगठित अपराध द्वारा निम्नलिखित खतरों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन से हैं कारक? भारत में विभिन्न वर्गों के बीच मतभेद उपस्थित है। ये मतभेद आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय, निजातीय, जातिगत, सामुदायिक अनेक प्रकार के अपराधियों द्वारा मतभेदों को बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें अनेक क्षेत्रों में निजातीय संघर्ष एक एवं अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं और इन आंदोलनों का आपराधिक संगठनों से जुड़ाव भी महत्वपूर्ण समस्या है। भारत में शिक्षित बेरोजगार की संख्या बड़ी संख्या है में जिन्हें प्रशिक्षित करके संगठित अपराधों की युग बनाया जा सकता है और जो भारतीय मानव पूंजी को भी क्षति पहुंचाते हैं। आप सोचिए कि शिक्षित बेरोजगार रहते हैं, शिक्षा जो शिक्षित है फिर भी बेरोजगार है, वो इस तरह के कामों में रोजगार ना मिलने के कारण संलिप्त होने की उनकी ज्यादा अवसर भी रहता है उनके लिए, समझ रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में तनाव, विभिन्न पड़ोसियों द्वारा आपराधिक संगठनों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण एवं अस्त्र शस्त्र दी जाती है। आप देखते हैं हमारे चाइना से बुरी स्थिति चल रही है और आप देखते हैं नेपाल से भी ये बुरी स्थिति चलने लगी है। पाकिस्तान से तो हमेशा रिश्ते हमारे खराब ही बने रहे हैं। विकासशील देश होने के कारण भारत के पास आंतरिक सुरक्षा पर खर्च के लिए सीमित आर्थिक संसाधन, जबकि आपराधिक संगठनों के पास पर्याप्त वित्त की उपलब्धता की समस्या के कारण संगठित अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच सहयोग विकसित होने की संभावना बनी रहती है। राजनीतिक प्रशासनिक जीवन में सबसे भ्रष्टाचार के कारण सीमा पार के आपराधिक संगठनों
एवं राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन विकसित होने की संभावना भी बनी रहती है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए, देश के लिए खतरा रहती है। भारत की गोल्डन ट्रायंगल तथा गोल्डन क्रिसेंट के बीच अवस्थिति जबकि यह संगठित अपराधों के लिए वित्तीय स्रोत का कार्य करते हैं। विशेष तौर पर मादक मूल्यों की माफियाओं द्वारा भारत के अलगाववादी गुटों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। नॉन स्टॉक एक्टर और स्टेट एक्टर में गठजोड़ राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती भी प्रस्तुत कर रहा है। भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के गठजोड़ से नार्को आतंकवाद का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। जम्मू कश्मीर समेत पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा पार से हीरोइन अवैध कारोबार का बढ़ावा भी दे रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की तस्वीर तस्करी इन अराजक तत्वों को वित्तीय प्रदान करती है, जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भी है। जिस प्रकार स्वर्ण तस्करी मामले में शिक्षित तथा सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों का नाम आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि यह राष्ट्र में भ्रष्टाचार, शासन की अनैतिकता जैसी कई समस्याओं का कारक भी बन रहा है। संगठित अपराध के विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार के कारणों की, तो संगठित अपराध के नेटवर्क का विस्तार, आतंकी समूह तथा संगठित अपराध में गठजोड़, आपराधिक संगठनों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों के संचालन हेतु विभिन्न क्षेत्रों में धन भेजने का कारण, आतंकी समूहों को विभिन्न क्षेत्रों में आतंकी उद्देश्य के लिए धन को से प्रवाह को बनाए रखने की आवश्यकता, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण अवैध धन का भंडारण बढ़ना, अपहरण, अवैध वसूली आदि से प्राप्त धन को खपाने की आवश्यकता, मादक पदार्थों, मानव तस्करी तथा गैर कानूनी हथियारों की तस्करी एवं व्यापार से प्राप्त धन के उपयोग को सुनिश्चित करना। वैश्वीकरण ने इस प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है। MNCs तथा विभिन्न बैंकों, शेयर मार्केट आदि से इसका व्यापक विस्तार भी हो गया है। अगर हम लोग संगठित अपराध के नियंत्रण से जुड़ी चुनौतियों और समस्याओं की बात करें, तो इसमें शामिल है राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर निपटने हेतु ऐसे संगठित अपराधों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। सभी राज्यों में संगठित अपराध नियामक कानून नहीं होना, उदाहरण के लिए अभी सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली में ही संगठित अपराध नियामक कानून लागू है। संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों के पास पुलिस से ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। पुलिस बेड़े को संगठित अपराध गिरोह से निपटने का समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाना, सार्वजनिक जीवन में बढ़ता भ्रष्टाचार, संगठित अपराध से राजनीतिक प्रशासनिक पुलिस का गठजोड़, संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित जांच और अभियोजन तथा आप्रवासन एवं सीमा नियंत्रण सहयोग संबंधी मंत्रालयों और संगठनों के साथ रणनीति का कुशल क्रियान्वयन नहीं होना, ये सभी चुनौतियां हैं इससे जुड़े नियंत्रण में। संगठित अपराधों को रोकने हेतु क्या क्या किया जाने की आवश्यकता है, यानी क्या प्रयास हो सकते हैं जिससे संगठित अपराध रोक सके। राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर निपटने हेतु संगठित अपराधों का कोई आंकड़ा उपलब्ध कराया जाए, NAT नेट ग्रेड एक उपयुक्त मंच हो सकता है। इस तंत्र से पुलिस आसूचना प्रणाली का समन्वय किया जाना चाहिए। सभी राज्यों में संगठित अपराध नियामक कानून को लागू किया जाना चाहिए। चुनाव और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से राजनीतिक प्रशासनिक पुलिस का गठजोड़ को तोड़ना, पुलिस बेड़े को संगठित अपराध गिरोह से निपटने का समुचित प्रशिक्षण करना, पुलिस प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की बात भी की जाती है, सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, सरकार को संगठित अपराध पर ARC के अनुशंसाओं को लागू करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि संगठित अपराध की रीढ़ शिक्षित परंतु बेरोजगार लोग हैं, अतः यह आवश्यक है कि रोजगार संवर्धन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि इस प्रकरण में स्पष्ट है कि अच्छे पदों पर आसीन व्यक्ति भी इस कुत्सित प्रक्रिया का हिस्सा है, अतः शासन में नैतिकता जैसे आयामों को बढ़ावा देना चाहिए। समझ रहे हैं, इसमें पढ़े लिखे और जो देश जिनका कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा करना, वो भी लोग आप देखिए इस तरह के कामों में संलिप्त पाए जाते हैं, शामिल रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब पढ़ा लिखा बेरोजगार हो और हमारे यहाँ युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो इस तरह की मतलब आप देखते हैं आतंकी जो संगठन होते हैं उसमें भी शामिल होने के कई युवा उसकी तरफ भी मुड़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब खाने के लिए ना हो, रोजगार की व्यवस्था ना हो, तो कहीं से भी पैसे कमाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक युवा चले जाते हैं। इसके साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी प्रयास आवश्यक है। कूटनीतिक प्रयास, पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना तथा मतभेदों को भावनात्मक रूप से देखने की बजाय वास्तविकता की दृष्टि से देखना। 2019 में तनाव
2019 में मानव तस्करी को रोकने के लिए भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU एक अच्छा उदाहरण है। इसे नेपाल और बांग्लादेश समेत शामिल करते हुए और क्षेत्रों तक विस्तार किए जाने की जरूरत है। वर्तमान भारत और यूरोपीय संघ EU शिखर सम्मेलन में संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कामकाजी व्यवस्था के लिए यूरोपोल और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के बीच एक समझौते की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। UNCTOC इसे प्रवासी यानी कि UN कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसे प्रभावी रूप से लागू करना या संधि UNODC के क्षेत्र अधिकार में है। इसके लागू होने से संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के बीच संबंध भी टूटेगा। UNCTOC के पूरक के रूप में विशिष्ट क्षेत्र संबंधी 3 प्रोटोकॉल भी हैं। व्यक्तियों स्त्रियों बच्चों के अवैध अनैतिक व्यापार को रोकना, अवैध प्रवासियों की तस्करी पर प्रतिबंध और हथियारों के अवैध व्यापार का सामना भी करना इसमें शामिल है। रेटिंग में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले महत्वपूर्ण कदम की बात करें अगर UNCC UN कन्वेंशन और करप्शन को प्रभावी रूप से लागू करना, यह संधि 14 दिसंबर 2015 से लागू है। भारत द्वारा दिसंबर 2005 में ही हस्ताक्षर किया गया था और मई 2001 में इसे संसद की स्वीकृति भी मिली थी। यह संधि UNODC के क्षेत्र अधिकार में है, इसलिए संगठित अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन भी टूटेगा। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF आज ही हमने देखी, इससे पहले आर्टिकलों में हम लोगों ने देखा था FATF के बारे में कि कार्यों में सहयोग भी करना शामिल है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में सूची में बरकरार रखा है, अक्टूबर 2020 तक उसी सूची में रहेगा। लास्ट में कह सकते हैं कि संगठित अपराध न केवल राष्ट्र की सुरक्षा वरन आर्थिक संप्रभुता को क्षतिग्रस्त करते हैं। इसके साथ संगठित अपराध की सफलता किसी देश में कमजोर प्रशासन तथा लचर कानून व्यवस्था का सूचक है, अतः इसे रोकने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया जाना अनिवार्य है। इस स्वर्ण तस्करी के अपराधियों के पकड़े जाने का यह अर्थ है कि राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर रही हैं, परंतु इसके साथ ही भ्रष्टाचारी समूहों को रोकने की भी आवश्यकता होती है। और ये समस्या तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमारे देश का कोई राजदूत बड़े व्यक्ति बड़े पद पर रहे जो व्यक्ति शामिल रहते हैं, तो और समस्या उत्पन्न हो जाती है इसमें। तो ये था आपका अपराधी संगठित अपराध की कहानी। ठीक।